एक खोजी शेरिल सिमोन ने अपनी रोचक जीवन यात्रा को मिडनाइट विद द मिस्टिक नामक किताब में व्यक्त किया है। इस वीडियो में आप उसी किताब के हिंदी अनुवाद को सुनेंगे। भाग्य के विषय पर सदगुरु की बातें सुनकर मन में यह सवाल आया, जिसे मैंने उनसे पूछा, यदि हम अभी अचेतन अवस्था में अपना भाग्य लिख रहे हैं तो यह कैसे हो रहा है? हमारे विचारों से, हमारे कर्म से, या फिर हमारे पिछले कर्मों से? उन्होंने जवाब दिया, अभी आप जो है, आपका पूरा व्यक्तित्व, आप जो कुछ भी है, वह जीवन के अलग अलग प्रभावों का एक जटिल पुलिंदा है। यह आपके सॉफ्टवेयर जैसा है, इसी को कर्म कहते हैं। ये आपके ऊपर पड़े प्रभावों की मात्रा है। आपने जो कुछ अनुभव किया है उसने आपके मन पर और यहां तक कि आपकी ऊर्जा पर भी अपनी छाप छोड़ी है। आपके शरीर का बर्ताव का तरीका, आपकी ऊर्जा के बर्ताव का तरीका आपके कर्म की पिछली निशानियों का नतीजा है। आपका अपने शरीर को चलाने का तरीका भी पहले से तय है। अब जिसको कर्म कहती है वह अलग अलग प्रभावों के पुलिंदे वाला आपका सॉफ्टवेयर ही है। इन प्रभावों के कारण आप कुछ विशेष प्रवृत्तियां पैदा कर लेती है। ये अचेतन प्रवृत्तियां होती है आपका शरीर, आपका मन, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा, सब कुछ इन प्रवृत्तियों के अनुसार चलती है, जो प्रभावों के विशाल पुलिंदे के कारण पैदा होती है। यही है आपके जीवन पर कर्म का प्रभाव। जब तक कोई व्यक्ति जागरूकता की एक खास ऊंचाई तक नहीं उठ पाता और जब तक उसका खुद पर एक सीमा तक नियंत्रण नहीं हो जाता, वह अचेतन रूप से रचित इन प्रवृत्तियों की रस्साकसी में खींचता और धक्के खाते रहता है। आप धक्का खाकर किसी एक तरफ जा रही हो तो यह आप ही की करनी है, किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी। यदि हमने उसे लिखा है तो क्या हम उसे मिटा सकते हैं या उससे पीछा छुड़ा सकते हैं? ऐसे होने की आशा के उत्साह से मैंने पूछा, या क्या हम जागरूकता के साथ इसमें बदलाव ला सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे अनुभव है जो भाग्य के लिखे अनुसार ही होने वाले हैं? सद्गुरु बोले, फिलहाल हाँ, बहुत सी चीजें हैं जो होकर ही रहेंगी, क्योंकि ये प्रवृत्तियां आपके मन के पक्के इरादे से कहीं अधिक मजबूत और गहरी है। अगर आप एक खास रास्ते पर चलने का मजबूत इरादा रखती है तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको आप बदल सकती है। कुछ बुनियादी चीजें अपना रास्ता खुद बना लेंगी, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन ऊर्जा पर खास तरह से काबू कर लेता है तो वह अपने जीवन के रास्ते को पूरी तरह बदल सकता है। अब हम उसी चीज की रचना सचेतन मन से करने की बात कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति मैं मुक्ति चाहता हूं कहकर आध्यात्मिक बन जाता है तो उसका मतलब है कि वह अपने जीवन को अपने हाथों से संवारना चाहता है। आप अपने भाग्य को अपने हाथों में लेना चाहती है। योग की तरफ पहला कदम बढ़ाकर आप खुद के एक अंश पर काबू करने की कोशिश कर रही है। शरीर से शुरू करके सांस, फिर मन और फिर ऊर्जा पर आप कदम दर कदम आगे बढ़ रही है। ये केवल पीड़ा से मुक्ति नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक है। आप निश्चित रूप से अपने भाग्य को बदल सकती है। मैंने कहा, सद्गुरु, आपने अपने कार्यक्रमों में क्रियाओं का अभ्यास करते रहने से
जैसा होने की बात कही थी वैसा ही मेरे साथ हुआ है। जीवन अब थोड़ा आसान लगने लगा है, मुझे ये अभ्यास अच्छे लगने लगे हैं। मेरी बहुत सी छोटी छोटी और कुछ बड़ी तकलीफें भी पूरी तरह दूर हो चुकी है। मेरी पहले वाली चिंता अब दूर हो गई है। फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं अपने जीवन के कुछ और बड़े अंश को अपने हाथ में लेने के करीब हूं। शेरिल, निश्चित रूप से आप उस अंश को अपने हाथों में ले रही है। मैं जब आपसे मिला था तब आपका स्वास्थ्य बहुत खराब था, आपकी आंखें तक धसी हुई थी। यदि आप अपना अभ्यास जारी नहीं रखती तो आप एक बड़े संकट में पड़ने वाली थी। यदि आप योगाभ्यास जारी नहीं रखती तो आपका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो गया था। अपने डॉक्टर से पूछ कर देखिए आप क्या क्या होने वाला था। अब सब कुछ बदल गया है तो आपने अपना जीवन अपने हाथ में ले लिया है ना। आप अपने पैरों पर खड़ी है, हर चीज को पहले से कहीं अच्छी तरह से करने लगी है। निश्चित रूप से अपने जीवन का वह हिस्सा आपने हाथों में ले लिया है। अपने डॉक्टर से पूछकर देखिए, वे मेरी बात की पुष्टि करेंगे। जब आप शारीरिक रूप से इतनी अधिक अस्वस्थ हो जाती है तो सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। अब चूंकि सब कुछ ठीक हो चुका है, आपकी ऊर्जा बढ़ गई है। गौर कीजिए आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा हो गया है। तो जिस पल आपने अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अपने हाथ में लिया, उसी पल इन सब बातों को आपने अनजाने ही अपने हाथ में ले लिया। अपने बालों को एक चोटी में बांधे, एक उत्साही युवा की तरह सदगुरु ने अपना धूप का चश्मा नीचे करके अपने उन सर्वज्ञानी आंखों से मुझे देखा। वे नहीं चाहते थे कि मैं उनकी वह बात न समझ पाऊं कि मेरे साथ जो कुछ घटा है वह संयोग नहीं है। चिकित्सा विशेषज्ञों के पूर्वानुमानों से परे उनकी कहीं हर बात 16 आने सही थी। ईशा योग शुरू करने से पहले मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब था। अपना रोजमर्रा का काम करना भी मुझे टेढ़ी खीर लगता था। सब ठीक है सोचते हुए मैं हर दिन रोजमर्रा का काम किसी तरह निपटा पाती थी। शाम को घर पहुंचने पर मैं और कुछ करने की हालत में ही नहीं होती थी, पूरी तरह निचोड़ी हुई महसूस करती थी। मुझ में जरा से भी ताकत नहीं होती थी। उन दिनों की तुलना में अब मैं बहुत अच्छा और हल्का महसूस करती हूँ। धन्यवाद।